नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा। कॉलम और बीम से लेकर इस घर के अंदर भी चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम किया गया है। साथ में इस घर के सामने की तरफ एक पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है, इसके बारे में बताऊँगा। आप देखिएगा, अगर आप भी लगभग 40 फीट बाई 40 फीट के आसपास का साइज में घर बनवाने वाले हो तो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा और पता चलेगा कि आपको अपने घर को किस तरीके से बनवाना चाहिए। बात किया जाए इस घर का साइड एलिवेशन के बारे में तो देख सकते हो 40 फीट का साइड एलिवेशन यहाँ पे रखा गया है। बीचों बीच इस घर के लिए अंदर से दिखाऊंगा आपको टॉयलेट बाथरूम है, उसके लिए देख सकते हो वेंटिलेटर यहाँ पर यूज़ किया गया है और यहाँ पर बॉक्स नुमा डिज़ाइन का विंडो का प्रयोग किया गया है। और जो ये बॉक्स का विंडो है थोड़ा अलग टाइप से काम किया गया है, चलिए आपको नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। साइज़ का बात किया जाए तो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का ये बनता हुआ विंडो है। दोनों तरफ से यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है, लेकिन इसको थोड़ा अलग टाइप से काम किया गया है। क्या अलग किया गया है, देखिए ये जो सील लेवल पे जहाँ पे आपका घर का फर्श होता है वहाँ से 3 फीट की ऊँचाई पर ये जो खिड़की रहता है जिसे हम लोग सील लेवल बोलते हैं वहाँ पर एक बीट बना लिया गया है। बहुत सारे लोग सिंपल इस तरीक़े से बीट निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो स्टेप डिज़ाइन इस तरीक़े से सीढ़ीनुमा डिज़ाइन उसे बनाया गया है। ये देख सकते हो एक साइड से आप इसे देखिए, ऐसे यहाँ पे काम किया गया है ताकि यहाँ पे जब डिफरेंट कलर का उपयोग कीजिएगा तो आपको एक अच्छा लुक मिल सके। तो ऐसा बदलाव आप कर सकते हो अपने बनने वाले घर का बॉक्स नुमा डिजाइन का खिड़की में। इस काम को नीचे की तरफ भी किया गया है और ऊपर की तरफ भी किया गया है। ये देखिए, मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से दो कलर का उपयोग आप इसमें कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसी तरीके का जो विंडो है सेम उधर भी आप देख पा रहे हो। तो देखिए साइड एलिवेशन में इस घर के लिए इस तरीके से काम किया गया है। और इसका हाइट का बात कर लिया जाए, 10.5 फीट हाइट रखा गया है इस घर का फर्श का लेवल से छत का हाइट 10.5 फीट और 7 फीट की हाइट पे इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया है, इसलिए आप देख सकते हो। कॉलम का बात किया जाए तो 9 इंच बाई 12 इंच का लगा हुआ ये कॉलम है, एक अच्छा फिनिशिंग ही बोलेंगे आप। देख सकते हो इस तरीके से इसका कास्टिंग किया गया है और 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, आप देख सकते हो 8 mm का रिंग के साथ यहाँ पे काम किया गया है। बीम आप देख रहे हो तो बीम का साइज़ भी 9 इंच बाई 12 इंच का ही रखा गया है। देखिए ये है इस घर के लिए प्लेन बीम, ये आप देख सकते हो। लेकिन इस लेवल पे इस घर का फर्श को नहीं बनाया गया है, आप यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्राउंड का लेवल है ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 से 4.5 फीट का हाइट का एक बीम पे काम नहीं हो पाता, इसलिए इस बीम पे घर का फर्श का जो काम नहीं किया गया। उसके बाद 3 रद्दा और जुड़ाई किया गया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद DPC किया गया है, ये देखिए ये DPC है, डैम प्रूफ कोर्स, इसमें बिना सरिया का यहाँ पर काम किया जाता है ढलाई के साथ। और इस लेवल पर इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया है, आप इसलिए यहाँ पे देख सकते हो। तो 3 फीट तक है, एक बीम से आपका काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा होता है तो या फिर DPC या फिर बीम दीजिए या फिर डबल बीम प्रोवाइड कीजिए, एक ग्राउंड बीम और एक उसके साथ साथ प्लेन बीम। तो इस तरीके से आप काम है वो करवा सकते हो। यहाँ पे एक बीम का जो पैसा है सरासर बचा लिया गया है, स्मार्ट वर्क यहाँ पर किया गया है। इसके साथ सामने की तरफ भी सेम डिज़ाइन का विंडो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बॉक्स नंबर डिज़ाइन का विंडो है और इसके साथ ये पोर्टिको है। साइज़ की बात किया जाए तो लगभग 12 फीट बाई 10 फीट के आसपास का ये पोर्टिको बनाया गया है। आप देखिए ऐसे काम किया गया है कि पहले जो बीम था बीम को इस तरीके से बाहर लाया गया, इस तरीके से यू शेप में, उसके बाद फिर जब DPC किया गया तो उसको भी बाहर लाया गया। हालांकि अगर ज़्यादा ऊंचा है तो पोर्टिको का जो हाइट है उसे कम रख सकते हो, घर का जैसे फर्श इस लेवल पर था तो थोड़ा सा नीचे वाला लेवल पर भी पोर्टिको का जो हाइट है जो फर्श का लेवल उसको रख सकते हो। ऊपर में इस तरीके से लिंटल बीम के साथ साथ इस तरीके से बीम लिया गया है, आप देख सकते हो, और ब्रिक वर्क के साथ यहाँ पर काम किया गया है। तो अच्छा फिनिशिंग के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। चलिए मैं आपको इसका जो फ्रंट व्यू है उसको भी दिखा देता हूँ कि कैसे काम किया गया है। ये देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू है, पोर्टिको है, दोनों तरफ से बॉक्स नुमा डिजाइन का विंडो का काम किया गया है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो हालांकि पहले भी मैंने इस घर का जो वॉक थ्रू का वीडियो है मैंने आप लोग के लिए अपलोड किया हुआ था, अगर आप लोग बोलेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा और किस तरीके से इस घर को बनाया गया था। तो ये हो गया पोर्टिको, एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको मिल गया वेटिंग एरिया, देख सकते हो दोनों तरफ से एक एक रूम है, एक इधर भी रूम है, एक इधर भी रूम है, और इसके साथ हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है, ये देख सकते हो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, इधर है किचन, इधर है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, फिर उस कॉर्नर पे भी रूम है,
इस कॉर्नर पे भी रूम है, यहाँ पे आपका सीढ़ी, मतलब चारों कोन पे रूम है, देख सकते हो चारों कोन पे रूम है। बीच में हॉल के साथ है डाइनिंग एरिया, इधर है सीढ़ी और इसी के जस्ट पीछे है ये आपका वेटिंग एरिया, जिधर से आप एंटर करते हो घर में। हॉल के दाहिने तरफ है किचन और बाएं तरफ है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट बाथरूम के ऊपर में देख सकते हो स्टोर रूम का निर्माण है, वो किया गया है लिंटल बीम के ऊपर में। अगर बोलिए तो स्पेशल वीडियो इसके लिए भी मैं बना दूंगा कि कैसे आप टॉयलेट बाथरूम के ऊपर वाला हिस्सा खाली रह जाता है वहाँ पे आप सुंदर सा ये स्टोर रूम बना सकते हो। तो ऐसा काम यहाँ पे किया गया है, आप यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हो सारा जो पार्टीशन वाल है उसे 5 इंची का, और जो बाहर का दीवार है उसे 10 इंची के साथ यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए 10 इंची के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो दोस्तों इस घर का जो फर्श का बनाने का काम है वो भी आप देख रहे हो कि फिलिंग तक का काम किया गया है, यहाँ पे डस्ट फिलिंग किया गया है। ये थोड़ा मिट्टी से महंगा होता है और डस्ट फिलिंग भी आप अपने घर में इजिली करवा सकते हो जैसे कि यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो छत में ढलाई में जो सीमेंट का उपयोग किया गया है, ये देख सकते हो डालमिया का सीमेंट यहाँ पर उपयोग है वो किया जा रहा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो ढलाई एक्सपर्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से इस घर को बनते हुए आप देख पा रहे हो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो दूर कीजिए। वहाँ पोर्टिको हो गया, एंटर करते हो घर में, यहाँ पे हो गया वेटिंग एरिया, फिर इधर रूम, इधर भी रूम, बीच में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, उधर आपको मिल गया टॉयलेट बाथरूम, इधर मिल गया आपको किचन, फिर भी यहाँ बीच में मिल गया सीढ़ी, एक उधर भी रूम और एक इधर भी रूम, चारों कोन पर रूम और बीच में हॉल डाइनिंग एरिया, एक तरफ टॉयलेट बाथरूम, एक तरफ किचन। तो इस तरीका से इजीली आप घर बनवा सकते हो। इसका मुख का बात कर लिया जाए कौन सा फेस में घर बना हुआ है, तो ये साउथ फेस का घर है, दक्षिण की तरफ इसका मुख है वो रखा गया है, आप देख सकते हो क्योंकि सामने की तरफ ही रोड था तो उधर ही इसका मुख है वो रखा गया है। तो इस तरीका से ये बनता हुआ घर है। और आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हो, अगर कोई इसमें कमी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग बताइएगा कि आप किस तरीके का और भी इसमें जो जानकारी है इंक्लूड करना के लिए आप बोल रहे हो तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है, इसलिए आप देख सकते हो जैसे ही बांस बल्ली सबको हटाया जाएगा फिर से मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा दिखाऊंगा। और यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम किया गया, देखिए जो फर्श का जो काम था उससे भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से फिलिंग किया गया, या फिर सीढ़ी का काम देख लीजिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ब्रिक वर्क है, बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्रिक वर्क यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको। ये देख सकते हो प्लास्टर का भी जो काम किया जाएगा, पेंटिंग का भी जो काम किया जाएगा, आपको मैं आने वाला दिन में आगे दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को फिनिश किया गया है। पहले वाला वीडियो का मैं लिंक अभी खोज के इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।